अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज़ अशरफी। जब से कोरोना वायरस आया है और देश भर में लॉकडाउन लगाया गया, तब से आप सब मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि दरगाह जवाहर शरीफ खुली है या नहीं खुली है, दरगाह जवाहर शरीफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, वहाँ अदालत हो रही है या नहीं हो रही है। अब तक यही सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अब एक और नया सवाल आप सब ने पूछना शुरू कर दिया है कि दरगाह जवाहर शरीफ में गुसल शरीफ कब होगी। तो आप सबके सारे सवालों के जवाब आज इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा और साथ ही साथ कुछ ऐसा बताऊंगा और दिखाऊंगा जिसको देखने और सुनने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी कि इस लॉकडाउन में आप जवाहर शरीफ चले जाएं। और आज मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आज की वीडियो को आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई और जाने की प्लानिंग कर रहा हो और वहाँ जाकर पुलिस के डंडे खाए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मैंने कल ही दरगाह के कमेटी के मेंबर से बात की और उनसे पूछा कि जवाहर शरीफ के बारे में दरगाह खुली है या नहीं खुली है और गुसल शरीफ होगी या नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी महीना डेढ़ महीना कम से कम आराम से आप घर में बैठिए, अभी दरगाह आने की ज़रूरत नहीं है, दरगाह शरीफ बंद है और गुसल शरीफ की दूर दूर तक कोई प्लानिंग नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। यानी कि सिंपल है बात है कि जब तक दरगाह नहीं खुलेगी तब तक गुसल शरीफ कैसे मनाया जाएगा जब दरगाह ही बंद है। तो ये दो सवाल के जवाब तो आपको मिल गए कि दरगाह बंद है, ये महीना पूरा जुलाई बंद रहेगा और गुसल शरीफ कब होगी नहीं होगी इसका अभी कोई चर्चा नहीं है, इसकी भी कोई बात नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि दरगाह जवाहर शरीफ में क्या हो रहा है। पिछले नौचंदी को कुछ लोग आसपास के लोग दरगाह जवाहर शरीफ पहुंच गए थे और एक तरह से थोड़ा सा रश लग गया था। जब खबर मिली कि लोगों की भीड़ लग रही है नीर शरीफ पे, तो दरगाह कमेटी के लोग और पुलिस प्रशासन मिलकर के लोगों को वहाँ से हटाया। खैर ये तो पिछले नौचंदी की बात है, अब क्या हो रहा है ये सुने। दरअसल 3 दिनों का यूपी में हेवी लॉकडाउन लगाया गया है, यानी जैसा शुरू में था कि सिर्फ ज़रूरत की चीज़ ही खुली रहेंगी और लोग ज़रूरत जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी वही घर से बाहर निकलेगा, वैसा लॉकडाउन लगाया गया है 3 दिनों के लिए। तो कल से जो है ऐसा हो रहा है कि लोग अगर अदालत के लिए नीर शरीफ में जमा हो रहे हैं तो उन्हें पुलिस दौड़ा रही है, भगा रही है। इनफैक्ट ये भी खबर मिली है कि उन पर लाठियाँ भी बरसा रही है। दरअसल ऐसा हुआ है कि बहुत से लोगों को जब खबर मिली कि नीर शरीफ पे अदालत हो रही है, लोग बैठ रहे हैं, बैठने दिया जा रहा है, तो लोग खर्चा करके पैसे लगा के गाड़ियों से अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जवाहर शरीफ पहुँचे और अदालत करने लगे, ये सोचकर कि भले ही दरगाह ना खुल रही हो मगर अदालत तो हो रही है। और जैसे ही लोगों की भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई और लोगों को भगाने लगी। भाई दरअसल बात ऐसी है ना कि कमेटी वाले नहीं चाहते किसी तरह की ऊंच नीच हो, कोई ऐसी बात हो जाए कि बाद में गैरों को कहने का मौका मिल जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे देश में मुसलमानों को किस तरह से घेरा जा रहा है, किस तरह से तरह तरह की बातों पे उन्हें बदनाम किया जा रहा है, ऐसा माहौल है इस देश में आप सब जानते हैं। तो दरगाह वाले नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी ऐसी बात हो। भाई जब प्रशासन गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है, आदेश है, तो उसको फॉलो भी करना है। और कोरोना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मगर इसको लोग नहीं समझ रहे हैं। सबको अपनी अपनी परेशानी ज़्यादा महसूस हो रही है और वो बस सोच लिया है कि किस तरह हमको जवाहर शरीफ पहुँच जाना है। अब बताइए, सब कुछ बंद हो रहा है, फिर से लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर आगे इसी तरह और लॉकडाउन जारी रहा तो फिर वो लोग भी वहाँ जाके फंसेंगे और फिर बाद में सोचेंगे कि हम घर कैसे जाएं। एक तो अदालत करने मिल नहीं रही है, अदालत पे रोक लगी हुई है, किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, भीड़ लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे में आप दरगाह जवाहर शरीफ जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। कमेटी वाले भी साफ कह रहे हैं कि घर पे ही बैठे हैं, एक डेढ़ महीना आगे क्या होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बेहतर है कि हम अभी अपने अपने घरों पर रहें और वहाँ जाके रश ना लगाएं। मैं जानता हूँ शैतान लोगों को परेशान कर रहा है, दिन ब दिन अपनी परेशानियों बढ़ा रहा है,
लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी इसको करने से वो कंट्रोल में रहता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने घर पर रहें अभी फ़िलहाल और इस कोरोना को फैलने से रोकें, अभी किजवा शरीफ जाने के बारे में ना सोचें जब तक कि पूरी तरह से किजवा शरीफ खुल नहीं जाती। मैं शहबाज अशरफी, आप देख रहे हैं अशरफी यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।